गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो आज हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नाउन इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था दैट वॉज सेंटेंस सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से सो लेट स्टार्ट अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग द वर्ड बॉय गर्ल क्रो मेरठ गार्डन हॉस्पिटल्स आर ऑल नाउन एज द नेम पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स सो नाउन क्या होता है किसी भी किसी का भी नाम किसी भी पर्सन का नाम एनिमल का किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं जैसे कि बॉय गर्ल क्रो किसी एक डेफिनेट जगह का नाम जैसे मेरठ गार्डन हॉस्पिटल ये सब जो हैं ये नाउन हैं और क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट कोई किसी पर्सन के बारे में बताते हैं या किसी जगह के बारे में बताते हैं या किसी एक एनी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बताते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं उन उन सभी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं नाउन कहते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं शाहजहां बिल्ट द ताजमहल सो यहाँ पर ये एक नेम नेम बता रहा है नाउन का सो ये जो शाहजहां है ये क्या है नाउन है ओके okay? और सेकेंड हम आते हैं प्लीज गिव मी योर एम्ब्रेला तुम अपना अम्ब्रेला मेरे को दो तो अम्ब्रेला जो है यहां पर वर्ड है ये क्या है थिंग है एक थिंग है सो इट इज ऑल्सो अ नाउन थर्ड में आते हैं ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स ये एक क्वालिटी है ब्यूटी जो होती है एक क्वालिटी होती है एंड इट इज ऑल्सो नाउन सो जो भी जो होती है सुंदरता जो होती है उसको उसके लिए कोई भी आभूषण की जरूरत नहीं होती है ठीक है अब हम चलते हैं सेकेंड काइंड्स ऑफ नाउन की कितने प्रकार के नाउन होते हैं ठीक है तो मेन काइंड ऑफ नाउन आर एल आर तो कौन कौन से नाउन्स होते हैं देखते हैं हम एक तो कॉमन नाउन होता है देन देर इज अ प्रॉपर नाउन और एक होता है कलेक्टिव नाउन एक होता है मटीरियल नाउन ओके सो ये डिफरेंट टाइप के फोर नाउंस जो होते हैं वो यहां पर इधर मैंशन कर रखे हैं तो कॉमन नाउन क्या होता है कॉमन नाउन आर द जनरल नेम ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ पर्सन एनिमल थिंग प्लेस और ऑब्जेक्ट ठीक है तो कॉमन नाउन क्या होता है किसी भी जनरल नेम कोई भी जनरल नेम होता है तो उसका जो भी एक सिमिलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं जैसे कि किसी भी पर्सन uh, के बारे में अगर हम बात करते हैं एनिमल के थिंग के प्लेस के या ऑब्जेक्ट के बारे में हम किसी भी सिमिलर uh, ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है दे डो नॉट नीड रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन एनिमल और एटसेट्रा तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताते हैं बट एक जनरल सिमिलर ग्रुप का एक पर्सन एनिमल थिंग्स प्लेसेज ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं हिज फादर फादर लिव्स इन अ विलेज उसके जो हैं वो एक गांव में रहते हैं सो so, इसमें जो फादर है तो फादर कोई एक स्पेसिफिक फादर नहीं है किसी के भी फादर हो सकते हैं सो so, ये भी एक कॉमन नाउन है और विलेज विलेज एक कोई स्पेसिफिक विलेज के बाद में एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में नहीं बात करते हैं ऐसे सिमिलर बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं तो इसलिए ये वर्ड जो होगा एक कॉमन नाउन होगा एक सेंटेंस अब सेकेंड जो हम बात करते हैं इसमें लिखा है अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग सो यहाँ पर गर्ल है ये भी एक नाउन है और सॉन्ग भी एक नाउन है पर यहां पर किस गर्ल किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं एक एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं देर क्योंकि गर्ल्स कैन बी मैनी ओके एंड सॉन्ग ऑल्सो कैन बी मैनी लव सॉन्ग हो सकता है और उसमें फिर सैड सॉन्ग हो सकता है उसके बाद कोई रॉक सॉन्ग हो सकता है बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं सो so, टिक um, हो सकता है सो so, इसलिए इधर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में नहीं बताया है ना ही एक पर्टिकुलर गर्ल के बी बताया है तो इस तरह के वर्ड जो एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बताते हैं बट एक सिमिलर ग्रुप के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं सेकेंड चलते हैं हम प्रॉपर नाउन की तरफ तो प्रॉपर नाउन क्या होता है आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस सो किसी भी एक डेफिनेट अगर हम बता देते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन के या एनिमल या किसी भी चीज़ या किसी भी जगह के बारे में हम पर्टिकुलर अगर बता देते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सैम सैम एक डेफिनेट पर्सन है एक बॉय है वो सैम तो उनमें से हम डायरेक्टली हम सैम बोलेंगे तो हमें हम रिप्रेजेंट कर सकते कोई और क्लास में सैम नहीं होगा एक ही सैम होगा सो so, इसलिए हम ये एक प्रॉपर नाउन है विथ हिज डॉग रॉकी सो रॉकी भी एक उसका जो डॉग है हमने यहाँ सिर्फ डॉग नहीं बोला है उसके बारे में हमने एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात किया है उसका नाम है रॉकी वॉक नियर द कंपनी गार्डन वो जो है वो जो होता है वॉक करता है कंपनी गार्डन में और कंपनी गार्डन भी हमने एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताया तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया इन मेरठ इन मेरठ एक डेफिनेट प्लेस के बारे में बता दिया कि मेरठ में ठीक है तो सैम जो होता है अपने जो डॉग होता है रॉकी जिसका नाम होता है वो कंपनी गार्डन में घूमने जाते हैं और कहां पर है जो ये कंपनी गार्डन है इट इज इन मेरठ सो ये एक क्या हो गया ये सेंटेंस जो हो गया एक प्रॉपर नाउन हो गया अब चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन की तरफ तो क्या तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ ग्रुपन एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड फॉर्मिंग अ यूनिट कोई भी कलेक्टिव नाउन वो होता है जो कि ग्रुप बनाते हैं या तो वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकती हैं या सेम काइंड की कोई एक यूनिट होती है जो कि एक लार्ज यूनिट uh, बनाती है तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं आर्मी फॉट विद ग्रेट करेज सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्मी आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एक ग्रुप है ग्रुप ऑफ पर्सन है सो इट इज कॉल्ड आर्मी सो so, ये जो है एक कलेक्टिव नाउन हो गया वैसे हम सेकेंड देखते हैं अफॉक्स ऑफ ग्रेप्स सो बंच यहाँ पर बंच की बात करें हैं। जो बंच मतलब जो एक लोमड़ी होता है वो एक गुच्छे को अंगूर के गुच्छे को देखता है तो बंच हो जाता है तो बंच एक गुच्छा है तो गुच्छे में कितने सारे अंगूर होते हैं तो ये बंच जो होता है एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं तो फिर लास्ट में आते हैं हम मेटीरियल नाउन सो मेटीरियल नाउन क्या होता है मेटीरियल नाउन होता है आर द मेटीरियल नाउन आर द नेम ऑफ मेटीरियल और द सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग थिंग्स रिमेंबर दैट वाइल मोस्ट कॉमन कॉमन नाउन आर काउंटेबल मेटीरियल नाउन आर अनकाउंटेबल For example, stone, grass, plastic, steel, copper, water. तो मेटीरियल नाउन क्या होते हैं किसी भी मेटीरियल और सब्सटेंस के बारे में जो बताया जाता है मेकिंग थिंग्स जो कि किसी भी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं मेटीरियल और सब्सटेंस तो उन्हें हम मेटीरियल नाउन कहते हैं और एक बात याद रखिएगा कि रिमेंबर दैट द मोस्ट ऑफ द कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल जितने भी मेटीरियल नाउन होते हैं वो काउंट मोस्ट मोस्ट जो कॉमन थिंग्स होती हैं कॉमन नाउंस जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं पर मेटीरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं जैसे कि आप स्टोन स्टोन ग्रास प्लास्टिक स्टील कॉपर एंड वाटर तो आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो जैसे आपको बोल दिया स्टोन सो हाउ मेनी स्टोन ऐसे करके आप नहीं बोल सकते हो ग्रास है क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी मेनी ग्रास लीव्स सो एक ग्रास एक कलेक्टिव बहुत सारे मेटीरियल्स एक ग्रास से बना हुआ है सो एंड प्लास्टिक प्लास्टिक में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लास्टिक के इसलिए हम एक मेटीरियल है ये देन देर इज अ स्टील सो इट इज ऑल्सो मेटीरियल और ये जो हो गया एक मटीरियल हो गया कॉपर एक सब्सटेंस हो गया ठीक है और ये वाटर हो गया तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एच टू ओ मोलिक्यूल सो इट इज और ये एक मेटीरियल है सो इट इज रिकॉर्डीरियल नाउन तो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखे है इज मेड ऑफ चाइना क्ले सो तो चाइना क्ले जो हो गया एक मेटीरियल हो गया जिससे हमारी क्रॉकरी बनी हुई है ओके सो एब्सट्रैक्ट नाउन के बारे में Uh, हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटीज आइडियाज इमोशंस एक्शंस फीलिंग्स एंड द कंडीशंस अनलाइक अदर काइंड ऑफ नाउन्स इट कैन नॉट बी सीन और टचड बट ओनली फेल्ट फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा एग्जाम्पल जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो क्वालिटीज किसी भी चीज की क्वालिटी आइडिया इमोशंस या एक्शन या फीलिंग के बारे में कंडीशंस के बारे में बताता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं तो इस ये एक ऐसी चीजें होती है जो कि हम देख नहीं सकते हैं बट इसको हम देख और टच नहीं कर सकते हैं बट इसे हमें फील कर सकते हैं जैसे कि हैप्पीनेस है हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं इसे हम टच या देख नहीं सकते हैं सौरव होता है जो कि हम फील कर सकते हैं बट इसको हम टच या सी नहीं कर सकते हैं एक्साइटमेंट भी हम फील कर सकते हैं वैसे बोर्डम भी हम फील कर सकते हैं बोर्डम का मतलब होता है दुखी होना एक तरीके से ओके सो so एग्जाम्पल होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सो ऑनेस्टी क्या होता है हम फील कर सकते हैं ऑनेस्टी को बट वी कैनॉट टच और सी सो इट इज अब तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ तो यहां पर जो पहली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है नेम दिस वर्ड ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो यहां पर हमें बताना है यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं और उनमें हमें बताना है कि आइदर इट इज अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन सो यहां पर देखते हैं पहला जो हमारे एग्जाम्पल दे रखे दैट इज चीज क्रीम देर इज बटर एंड योगर्ट सो योगर्ट योगर्ट इज अ कर्ड दही जिसे हम बोलते हैं चीज क्या होता है आपने खाया होगा चीज ओके क्रीम होता है जो मलाई जिसे बोलते हैं बटर जो होता है मक्खन और कर्ड दही सो so, ये एक कॉमन नाउन है कॉमन नाउन इसलिए हो गया क्योंकि ये सब एक एक चीज बिकॉज इफ इफ बहुत सारी चीज वहां पर पड़े हुए हैं और अगर हमने बोल दिया कि चीज सो so, आप क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए आप आपको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाला चीज़ है है so, सो कोई एक डेफिनेट नहीं इसलिए इसको हम एक कॉमन नाउन बोलते हैं जैसे कि एप्पल हो हो गया हो गया पेयर्स बनाना हो गया कोकोनट हो गया एक ही ट्री में अगर बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं तो अगर किसी को हमने बोला कि एप्पल लेना है तो एक पर्टिकुलर एप्पल नहीं लेकर कर पाए क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है इट इज अ ग्रुप सो इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन वैसे ही हम फॉर चेस्ट थम और नी की बात भी करते हैं तो ये भी एक कॉमन नाउन है बिकॉज बिकॉज इसमें भी हमारे पास जो होता है किसी किसी की भी जस्ट किसी की भी फोरहेड हो सकता है किसी का भी थम्भ हो सकता है एनी पर्सन का नी हो सकता है इसलिए ये कॉमन नाउन है अब हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जैसे यहाँ फोर्थ सेंटेंस में दे रखे कैम्ब्रिज येल ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड सो so ये एक प्रॉपर है क्योंकि ये जो कैम्ब्रिज है दैट्स इन यू एस एन हार्वर्ड ये इन दिस ऑल्सो इन यू एस एक्सफर्ड हम देखते हैं तो ये इट्स इन इंग्लैंड ओके okay. सो so, ये जब हम ऐसे देखते हैं तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये एक डेफिनेट प्लेस एक प्रॉपर जगह के बारे में बताते हैं सो इट इज अ प्रॉपर नाउन फिर बाद में आते हैं बूट सैंडल्स स्निकर्स एंड स्लिपर्स ठीक है स्निकर्स हो गया आपके शूज होते हैं टाइप ऑफ शूज होते हैं स्लिपर्स आपके जिसे आप चप्पल कहते हैं बूट्स शूज होते हैं और सैंडल्स सो so, ये एक क्योंकि सैंडल्स कैन बी मैनी ओके okay, बूट्स अलग है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं उसी हिसाब से ये एक कॉमन नाउन हो जाते हैं रोजेज हो गए लिलीज हो गए ट्यूलिप हो गए और डेसेस हो गए ठीक है ना सो so, ये भी एक कॉमन नाउन है बिकॉज देर कैन बी मेनी रोजेस लिलीज एंड ट्यूलिप्स ओके सो सो ये एक कॉमन नाउन हो गया उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर सेवंथ में जो दे रखा है यूरोप एफ, एशिया अफ्रीका एंड इंडिया सो so, यूरोप एक ही है एशिया भी एक ही है अफ्रीका भी एक है और इंडिया भी एक ही है सो so, ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये डेफिनेट एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट uh, के बारे में बता रहे हैं तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन सो उसके बाद हम एट सेंटेंस में जाते हैं यहां पर दे रखा है टोरा टौरें, टोरेंडो टोरेंडो ठीक है टोनाडो टौर, सॉरी टोर्नाडो इंग्लिश में बोलते हैं टोनाडो ब्रीज और गेल और हरिकेन सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जिसे भवंडर कहते हैं जब आ, आंधी तूफान आता है वो आप वो तो उसको हम एक ट्रेंडो के टोर्नाडो टौ, कहते हैं या एक हरिकेन कहते हैं सो so ये जो भवंडर आता है गोल गोल घूमते जिसमें हॉट और एयर कूल एयर ए ऐसे करके गोल घूमती है सर्कल बनाती है उसके बीच में एक एपिसेंटर होता है तो वो उसको हम एक टोर्नाडो कहते हैं ठीक है सो so ये इट्स ऑल्सो कॉमन नाउन बिकॉज मैनी टोर्नाडोज कैन बी देर और ब्रीज कैन बी देर हरिकेन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं सो इट इज अ कॉमन नाउन फिर हम नीचे चलते हैं सम कलेक्टिव नाउन्स तो अलग अलग तरीके कलेक्टिव नाउन्स जो हमने पढ़े थे तो कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं आप देख सकते हैं तो हेर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स रीड एंड लर्न सो ये आपको क्या करना है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स के कुछ दे रखे हैं आपको इसको रीड करना है और इन्हें लर्न करना है जैसे कि अ बेंच ऑफ जजेस तो जो जजेस की होती है वो बेंच होती है तो ये याद रखना है कि जजेस के साथ जो भी वर्ड हम इसमें यूज करेंगे सो तो वो कौन सा होगा वो बेंच होगा और ट्रूप ऑफ डांसर्स एक याद रखना कि जब भी डांसर्स का होगा दैट विल बी अ अ ट्रूप हर्ड ऑफ ऑफ एलिमेंट सो एलिफेंट का क्या होगा हमेशा हर्ड होगा अ ब्रूड ऑफ चिकन तो चिकन का हमेशा ब्रूड होगा ओके अ स्वाम ऑफ बीज बीज जो होती है मधुमक्खी उनका क्या होता है स्वाम होते हैं ठीक है उनके ग्रुप कलेक्टिव ग्रुप को हम स्वाम कहते हैं अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स ड्रॉर्स ड्रॉर्स क्या होता है हमारे कमरे में जो भी अलमारियां होती हैं उसमें ड्रॉर्स होते हैं सो so, वो वाले ड्रॉर्स होता है तो चेस्ट होता है अगर बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं तो उसका एक कलेक्शन uh, को हम क्या कहते हैं चेस्ट कहते हैं रेंज ऑफ माउंटेंस जब बहुत सारे माउंटेंस होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं रेंज होती है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती है कि जैसे कि कोई टन था टेन थाउजेंड मीटर्स एट थाउजेंड मीटर्स सेवन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ रेंज कलेक्शन कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द माउंटेंस वहीं पर अगर हम कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स भी बोल सकते हैं जहां पर ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन ही वर्ड्स हैं हम उसे डिनोट करते हैं कलेक्टिव नाउन ओके देन वी कम विद अ क्राउड ऑफ पीपल जो क्राउड ऑफ पीपल होता है तो पीपल का क्या होता है क्राउड होता है ओके okay. बैंड ऑफ सिंगर्स जो सिंगर्स होते हैं गायक होते हैं उनके एक उन, उनके एक कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं बैंड कहते हैं अ पैक ऑफ वुल्फ्स वुल्फ्स एक wolves जो होते हैं उनके एक कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोलते हैं पैक बोलते हैं तो पैक होता है वुल्फ्स का हमेशा एक पैक होता है ठीक है शॉल ऑफ फिश ठीक है तो याद रखना कि फिश का जो होता है वो शॉल होता है ओके अ क्लम्प ऑफ ट्री दो क्लम्प अगर बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे एक कलेक्टिव नाउन में क्लम्प ऑफ ट्रीज कहेंगे ओके देन अ सेट ऑफ बुक्स जब भी बहुत सारी बुक्स हमारे पास होती है तो हम उसे ऐसे बोलेंगे दिस इज अ सेट ऑफ बुक्स सेट होता है बुक का ठीक है वैसे ही अ सूट ऑफ रूम्स जब बहुत सारे रूम्स होते हैं अगर आप होटल में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे रूम्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इट्स अ सूट ऑफ रूम्स देर आर मेनी ऑफ द रूम्स एक सूट होता है ऑफ रूम्स अ बंच ऑफ कीज जब भी कीज एक कलेक्टिव नाउन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बंच कहते हैं जो कीज का होता है वो गुच्छा होता है गुच्छे गुच्छे में चाबी होती है तो गुच्छा चाबी का गुच्छा ओके अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स सोल्जर्स की क्या होती है एक रेजिमेंट होती है सो रेजिमेंट इज अ कलेक्टिव नाउन अगेन सो इट इज अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर हम कहते हैं वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर का क्या होता है बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं के एक बोर्ड बनाते हैं ओके okay? तो अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ टीम ऑफ हॉर्सेस ठीक है तो हॉर्सेस का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है एक टीम होता है अ गैगल ऑफ गीज गीज जो होते हैं बतक होते हैं उनके क्या होता है गैगल होता है ओके देन दफ वु तो वुड्स का क्या होता है एक स्टॉक होता है ठीक है देन कव विद अ शेल्फ ऑफ एरोज एरोज होते हैं बाण होते हैं हमारे पास सो so उसे हम क्या बोलते हैं शेल्फ ऑफ एरोज अ फ्लीट ऑफ शिप्स जो बहुत सारी बहुत सारी शिप्स होती हैं बहुत सारी शिप्स जब एक साथ होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं फ्लीट बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स एक्सरसाइज की हम तरफ चलते हैं दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन तो यहां पर हमें क्या करना है फिल करना है कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे लाइब्रेरी बोर्ड टीम कंपनी आर्मी फ्लॉक गैंग चेयर क्लास बंच सो इसे हमें यहाँ पर फिल करना है मैंने आपके लिए फिल करके दे रखा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये होगा फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है द वॉर वॉज वॉन बाय द स्ट्रॉन्ग ऑफ सोल्जर्स सो आर्मी ऑफ सोल्जर्स सोल्जर्स की क्या होती है एक आर्मी होती है ओके okay. या तो रेजिमेंट भी हो सकती है बट यहां पर हमें क्या दे रखा है आर्मी दे रखी है सो so, आर्मी दे रखी है तो हम यहां पर आर्मी फिल करेंगे ओके okay. सेकंड ये है द बास्केटबॉल वॉन चेयर द मैच इजीली चेयर का मतलब क्या होता है उनको चेयर uh, करना किसी को हेल्प मतलब किसी को सपोर्ट करना उसे बोलते हैं हम चेयर करना द क्लास ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर अ स्कूल ट्रिप जो क्लास थी क्लास ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट की क्या होती है क्लास होती है तो वो कहा जाती है स्कूल ट्रिप में जाती है द मदर कुड नॉट फाइंड अ बंच बंच ऑफ कीज जो mother, जो मदर मदर हमारी होती है वो क्या एक ऑफ कीज नह, नहीं फाइंड कर पाते हैं तो बंच क्योंकि कीज की क्या होता है एक बंच होता है ओके okay. देख हम फिफ्थ में चलते हैं अ शेफर्ड टुक हिज फ्लॉक ऑफ शीप्स टू अ मेडो सो शेफर्ड क्या होता है शेफर्ड कौन होता है एक जो जो च, जो चरवाहा होता है जो कि और शीप को घुमाता है एक चरवाहा जो होता है अपनी जो होती है शीप्स को वो छाया में लेकर जाता है फ्लॉक तो शीप्स का क्या होता है एक फ्लॉक होता है गैंग ऑफ अटैक द विलेज एट नाइट तो, तो का क्या होता है एक गैंग होता है अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक द विलेज एट नाइट फिर उसके बाद सेवंथ हम देखते हैं अ टीम ऑफ सिंगर्स सैंग अ मेलेडियस सॉन्ग जो सिंगर होते हैं जो एक टीम होती है सिंगर की वो एक एक बहुत ही मधुर संगीत गाती है ठीक है तो टीम होती है सिंगर्स की एक टीम होती है ओके देन एट्थ में हम आते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड जो है ओमिटेड है यहाँ पर फिल इन्होंने नहीं दे रखा तो इसलिए मैंने वहां पर स्लैश लगा दिया है तो यहाँ पर होगा द बोर्ड ऑफ एक्टर्स पार्टिसिपेटेड इन अ चैरिटी शो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे हमने इससे पहले डायरेक्टर्स पढ़ा था वैसी एक्टर्स में भी सेम सिमिलर आता है द बोर्ड ऑफ एक्टर्स पार्टिसिपेटेड इन द चैरिटी शो वैसे नाइन्थ में हम देखते हैं द हेन एंड हर कंपनी ऑफ चिकन्स वेंट बैक इन टू दी कुप ठीक है तो जो मुर्गी होती है और उसकी जो कंपनी होती है चिकन्स की वो वापस से पिंजरे में चली जाती हैं ठीक है थीके? फिर लास्ट इज माय स्कूल हैज अ वंडरफुल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स तो बुक्स का क्या होता है एक लाइब्रेरी होती है सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन सो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे स्कूल में एक बहुत ही प्यारा लाइब्रेरी है बुक्स का ओके okay? सो so, ये वाला पहला सेट हो गया अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वर्ड पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके okay.